हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड आईएसओ 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, आप हमारे पास आज J250 हैंडसेट है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें टच की प्रॉब्लम है और टच अभी काम नहीं कर रहा है। और ये जो हैंडसेट है स्टूडेंट का ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सप्लाई होती है टच की सैमसंग के हैंडसेट में, TSP RDY जो सप्लाई है, जो कि CPU से आती है, और इसमें जो CPU लगा है MSM8917, जिसमें से इसकी ट्रैक बोर्ड के अंदर ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी। किसी ने ऑलरेडी इसको यहाँ पे हमने ट्रेस कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और SDA SCL लाइन जो है वो भी CPU से आती है। तो यहाँ पर जो SRDY की जो सप्लाई है, ये सप्लाई आपको CPU से लेकर के टच कनेक्टर पे आती है, और बीच में आपको एक 10K का रेजिस्टर मिलता है, जहाँ पे आपको एक MOSFET से सप्लाई आती है 1.8 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे CPU को खोल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब CPU निकालने के बाद आपको ट्रेस करना होगा, ये डिस्प्ले कनेक्टर की जो पिन है 34 पिन का, इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है, जिसमें से 24 नंबर पर आपको TSP RDY जो सप्लाई होती हैं, ये CPU से आती हैं। तो यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर होता है बीच में, जहाँ पे उसको वोल्टेज दिया जाता है एक MOSFET के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रैक इसकी ब्रेक है, ऑलरेडी हमने ट्रेस कर लिया है। अगर आपको प्रॉपर फॉल्ट फाइंडिंग सीखनी है, प्रॉपर चेकिंग मेथड सीखना है, किस तरह से सैमसंग का हैंडसेट हो या ओप्पो वीवो या कोई भी रियलमी का हैंडसेट हो, किस तरह से सारे सेक्शंस वर्क करते हैं, लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, सारे सेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे, इंटरनल सर्किट की नॉलेज देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंड स्किल का काम जो होता है फ्रेंड्स, दोनों चीज़ पे आपको ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हमने इसका CPU निकाल लिया है, जो कि येलो पेस्टेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले CPU को उठाना है और सेफली मेथड से सारी PCB को क्लीन करना है, और उसके बाद IC जो कि CPU है उसको क्लीन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करके आपको बताएंगे। तो इसमें जो ट्रैक ब्रेक है हमारी TSP RDY जो ट्रैक है, ये ट्रैक ब्रेक है। तो यहाँ CPU के अंदर से हम जंपर एक निकालेंगे, बिल्कुल बारीक सा वायर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ये जंपर निकाल कर हम सीधा 10K के रजिस्टर तक इसकी सप्लाई पहुँचा देंगे। तो वहाँ से वो सप्लाई कनेक्टर तक हमारी जो ब्रेक हो चुकी है, CPU से कनेक्टर की सप्लाई हमारी प्रॉपर बन जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर क्लास में बताया गया, जितने स्टूडेंट हैं सारे हमारे साथ ही है। और ये जो हैंडसेट है, ये एक स्टूडेंट का ही है, जो कि झारखंड से है, जमशेदपुर से। तो ये अपने साथ ये हैंडसेट लेकर आए थे चैलेंज के साथ, कि वहाँ पर बन नहीं पा रहा है, काफ़ी सारे डिस्प्ले भी इन्होंने लगा के चेंज कर लिया, फ्लैशिंग भी इन्होंने कर ली। क्योंकि फ्रेंड, जब हार्डवेयर का मसला होता है तो प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप उसको बना पाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको सिखाया जाता है। एंड्रॉयड का जो कोर्स है फ्रेंड्स, 20 डेज़ का होता है। नेक्स्ट बैच हमारा 27 अक्टूबर से है। सितंबर का बैच ऑलरेडी फुल है, अगर आप चाहें तो अक्टूबर में लिमिटेड सीट्स है, उसमें अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और अगर आपको आईफोन का फुल कोर्स करना है, बेसिक टू मास्टर लेवल कोर्स, तो 15 सितंबर से यहाँ पे बैच लग रहा है, जिसमें आईफोन में ओनली 10 स्टूडेंट रहेंगे। अगर आप चाहे तो उसमें भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे रहने के लिए आपको बिल्कुल फ्री रूम दिया जाता है, और आपको फूड आपको यहाँ पे आकर अरेंज कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स, आप मोर डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, सारी डिटेल ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे CPU निकाल लिया है हमने, CPU क्लीन कर लिया है और रिवॉल्व कर लिया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स, रिवॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी ट्रैक चेक करेंगे, कि जो ट्रैक हमारी CPU से मिस हो चुकी हैं, TSP RDY की सप्लाई हम यहाँ पर एक बार ट्रेस करेंगे। उसके बाद एक नॉर्मल जंपर वायर लेंगे, और यहाँ पे CPU के अंदर वो जंपर वायर हम यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद वो जो जंपर वायर है हम डिस्प्ले कनेक्टर के साथ जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे CPU लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ट्रेसिंग कर रहे हैं कि सप्लाई यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक पूरा प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर वे होती है काम की, 100% आपका सक्सेस होगा अगर आप हमारे वे के साथ अगर आप काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर जो जंपर लगाना है हमको, तो यहाँ पे हम CPU से एक ट्रैक निकालेंगे, CPU से एक माइक्रो जंपर करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं 10K का रेजिस्टर LDO के बाजू में लगा है। तो यहाँ तक आप हैं, एक जंपर निकाल लेंगे,
और डिस्प्ले कनेक्टर से अगर कंटिन्यूसली अगर आप गिनेंगे तो ये 10 नंबर पिन होगी। अगर स्कीमेटिक के थ्रू अगर आप गिनते हैं तो ये 24 नंबर की पिन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हम एक जंपर लगाएंगे, क्योंकि ट्रैक हमारी ब्रेक है ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है। यहाँ से एक ट्रैक होती है जो कि ब्रेक हो चुकी हैं, क्योंकि नीचे गिरने के कारण ड्रॉप डाउन केस में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, या तो फिर वाटर डैमेज में भी आपको ट्रैक मिस हो जाती हैं। तो कभी आईसी से ट्रैक ब्रेक होती हैं तो कभी आपको पीसीबी से ट्रैक मिस हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी टच की जो सप्लाई है यहाँ पे आती हैं, टच की एसडीए एससीएल और टीएसपी आरडीवाई करके एक सप्लाई होती हैं सैमसंग 250 में। तो ये इसकी सप्लाई ब्रेक हो चुकी हैं, जिसके बीच में आपको एक पुल अप रेजिस्टर मिलेगा 10K का, जहाँ पे उसको 1.8 वोल्टेज देके उसको लॉजिक हाई किया जाता है, तो उसे वर्किंग कराया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक जंपर यहाँ पे निकाल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक प्रॉपर वे में अगर काम सीखना है आपको, चिप लेवल में ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए।
हो गया ना प्रॉब्लम सर। ओके कामरान सेट आपका ही ना ये आप ही लाए? क्या प्रॉब्लम था? टच का प्रॉब्लम था सर, कोई भी डिस्प्ले डाल रहा था ना सर, टच काम नहीं कर रहा। कम से कम 12-13 डिस्प्ले डाले थे तो काम नहीं किया। कहाँ? वहीं पे है भी, रांची में जी डाल के अलग अलग चेक कर लिए थे, झारखंड में। झारखंड में जी। अच्छा, तो हर जगह दुकान से डिस्प्ले डाल डाल के लेके तो बन जी। सर प्रॉब्लम था सर, चेंज हुआ है। कहाँ? अंदर सीपीयू के अंदर से एक लाइन मिस थी जी सर, है ना? SRDY जो कि TSP टच की सप्लाई थी जो कि मिस थी, और इसको अपन अभी क्या करें, इसको CPU में से एक ट्रैक निकाले, ट्रैक निकाल के TSP 1.8 एक जो लाइन होती है उसके अंदर, यहाँ पे 10K का एक रजिस्टर था, 10K के रजिस्टर पे ये लाइन मिस थी, तो CPU से एक ट्रैक निकाल के हम वो रजिस्टर तक दिए और हमारा अभी टच यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है, है ना? काम कर रहा है अभी जी सर, काम कर रहा है, सेकंड बता रहा है। हाँ, काम हो रहा है। तो अभी कितने दिन हो गया आप आके यहाँ पे? 10 दिन हो चुका है। 10 दिन हो गया, तो कैसा ट्रेनिंग दे रहे, क्या है यहाँ पे? बहुत अच्छा है सर, अभी हम लोग कुछ करते नहीं थे सर, सब कर रहे हैं ना, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका? तो ये जो टच का अपना J2 का था, वही क्या प्रॉब्लम था इसमें तुलसीराम? टच नहीं चल रहा था, सब लोग देखे ना ट्रेसिंग कैसा करे, अभी रिपेयर करे। कहाँ से लाइन मिसिंग थी? CPU से, कौन सी? TSP_SRDY, ठीक है, जो के I2C लाइन के ऊपर है, ठीक है, वो लाइन हमारी मिस थी। बीच में यहाँ पे एक था 10K का रजिस्टर, तो 10K के रजिस्टर से हम क्या करें, CPU के अंदर तक एक जम्पर निकाले और हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया, है ना? एक बार जोरदार क्लैप सागर सर के लिए, थैंक यू। तो कामरान आपने CPU लगा के सेट ऑन कर दिया जी सर, क्या किया आप इसमें? इसमें सर रिवॉल्व करके सर डाले सर CPU सर। अच्छा, CPU को खोले जी सर, खोले सर, और उसके बाद CPU को रिवॉल्व करके किया सर, उसके बाद फिर लगाए सर। अच्छा, आपने खुद से किया? जी सर, अपने खुद से किया, सारे काम खुद से किया है जी सर। और कितने दिन हुए आपके यहाँ पे क्लास करते हुए? 10 दिन हुआ सर, हम आए हुए सर। पहले आप कभी CPU लगाते थे क्या? नहीं सर, कभी नहीं लगाया सर, फर्स्ट टाइम सर। जिस दिन आए थे सर, उस दिन तो सर CPU J2 का सर रिवॉल्विंग करके फर्स्ट दिन लगा के ऑन किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। EMMC रिवॉल्विंग कर रहे हैं, CPU रिवॉल्विंग कर रहे हैं सर, और चार्जिंग पिन हो गया, डिस्प्ले हो गया, कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले का कनेक्टर हो गया, सब। अच्छा अच्छा अच्छा। कामरान, तो आप फर्स्ट दिन ही आप CPU लगा के सेट को ऑन किया था ना? जी, 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 जी। और इससे पहले आप काम करते थे क्या IC का? नहीं सर, कभी नहीं सर, कभी नहीं करते थे। कहाँ से आप? सर मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ, आजाद बस्ती। अच्छा, जमशेदपुर आजाद बस्ती से आप हैं। अगर कोई झारखंड से, आजाद बस्ती से, या रांची से, झारखंड के किसी भी जगह से आना चाहे तो आप क्या कहेंगे सर? बोल आ सकते हैं आराम से सर, उसको बेसिक जिनको चाहिए सर वो आ सकते हैं आराम से सर, और वो बहुत अच्छा सर सिखाते हैं। सागर सर हो गए, फिरोज सर हो गए सर, आप हो गए सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं सर, इसमें कोई डॉट नहीं है सर। अच्छा ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।